हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जब अली। मैं तारिक मोहम्मद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है वंदे मातरम 75,000 यंग इंडियंस सोचता भक्ता चार्ज। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिएक्शन करते हैं। कौन करते हैं? चलो जी, वीडियो खत्म हो गई और छोटे छोटे बच्चे भाई क्या इदारा था, कमाल का लग रहा था भाई कि जिस तरह सबके हाथ में तिरंगा था और जो लहरा थे बच्चे से लेकर बड़े तक ऐसी बात। और जो खुशियां मना रहे थे, अपनी आजादी एंजॉय कर रहे थे। और जो 75 वो लिखा गया था भाई, हिल गया थोड़ा सा, हिल जाता हूँ कभी कभी, आजकल मौसम का असर हो रहा मुझे। अच्छा, क्योंकि इसका डर जो है ना मेरे ऊपर वो छाया रहता है, तेरे बेजे के अंदर बैठ गया। और भाई साहब
जो आजादी का दिन था जिस धूमधाम से भारत में मनाया गया और ये धरती को सलामियां पेश की गई, वंदे मातरम, बिल्कुल और भाई तुझे सलाम। सही बात है, तो अच्छा लगा भाई देख के। और जिस तरह ये आजादी हासिल की गई है ये इतनी आसानी से नहीं गई, इसमें लाख के पीछे भी बहुत बड़ी कुर्बानियां दी है, बहुत ज्यादा खून बहाया गया है और घर लुटे। अगर आज के दौर में अगर वो जो जिन्होंने कुर्बानियां दी थी वो देखें कि देश कैसे बढ़ रहा है, और लेकिन जब उनको देखेंगे कि जो करप्शन कर रहे हैं तो उनका दिल दुखेगा, दुखेगा भी कि भाई हमने कितनी मुश्किल से ये कंट्री आजाद करवाया था, लेकिन ये बंदे जो है ना उस आजादी का नजायज फायदा उठा रहे हैं। सही बात है। तो जो बंदा ईमानदार है अपने कंट्री के लिए वही देश को आगे ले जा सकता है, काम के लिए जो भी जिसका काम है ना जी, वो अपने काम में ईमानदारी करे तो भाई साहब वो तो कंट्री वो के लिए रहे, वो मुल्क का सोल्जर है, कंट्री के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जरूर कर रहा है। अगर जो बंदा जिसको जो भी ओहदा दिया गया है उसमें वो कुताही कर रहा है, वो अपना हक अदा नहीं कर पा रहा, तो भाई वो करप्ट है और वो देश का गद्दार बोल सकते हो, वो देश का सगा नहीं है। सही बात है, उसको ऐसा ही बोले, गद्दार तो कहते ना बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन उसको भी गद्दार बोला जाएगा कि जो जिसे फर्ज दिया गया वो उसने देश के ऊपर की, या कि चंद पैसों के लिए अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है, वो भाई देशद्रोही होता है। चाहे आप हो सकता मैं गलत आपको लगूं, लेकिन भाई मेरे हिसाब से जो भी बंदा जो एक खास तौर पे जो गवर्नमेंट का मुलाजम है जी, उसको जो ओहदा दिया जाता है उसमें वो ईमानदारी ना दिखाए भाई, वो करप्ट बंदा है, वो देशद्रोही बंदा है, क्योंकि वो देश का भला नहीं कर रहा। अपने हमारे यहाँ तो भैया ऐसे ही होता है, उधर भी होगा लेकिन कम होगा, हमारे यहाँ होता है मुकम्मल तौर पर, उधर भी सही नहीं हुआ, क्योंकि वो एक वीडियो देखी थी ना कि योगी आदित्यनाथ के पास आई थी एक औरत, उसके तीन बच्चे थे, उसके हस्बैंड को मर्डर हो गया था और उसकी पुलिस वाले सुनते नहीं थे, तो इसका क्या मतलब था भाई। वो पहले एक स्पीच सुनी है ना, करप्शन निपोटिज्म, इसकी वजह से भाई खराब होते हैं हालात कंट्री के, और जब ये चीजें खत्म हो जाएंगी तब जो है कंट्री आगे बढ़ेगा। और भाई साहब छोटे छोटे बच्चे जिस तरह झंडा तिरंगा लहरा रहे थे दिल खुश हो गया, और इसी तरह जिस जोश और खरोश के साथ वो आजादी की खुशियां मना रहे थे, तो आई विश के वो देश के लिए अच्छा सोचें। और जो बच्चे छोटे छोटे तिरंगा उठा रहे थे और बोल रहे थे साथ साथ गाना बोल भी थे ठीक, और वो आगे कंट्री का फ्यूचर बने और कंट्री का सपोर्ट करें बिल्कुल। और जिस तरह भाई आजकल इंडिया का तालीम में मैयार जो है वो काफी हाई हो चुका है, सही बात है। तो तालीम में आगे बढ़ते जा रहे हैं और वहाँ पे बहुत काबिल टीचर भी बहुत ज्यादा है, बिल्कुल, और लोगों में सीखने की चाह भी है, जिसकी वजह से कोई कंट्री तरक्की कर रहा है। तो ये छोटे छोटे बच्चे आई विश के ये देश के लिए अच्छा करें और देश को और ऊपर ले कर जाए। तो ठीक है भाई, बड़ा अच्छा लगा देख के, और फिर बार बार आपको आजादी मुबारक, और दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक बच्चों के साथ जिस तरह की खुशियां मनाना ना, खुशी दुबाला हो जाए, कोई भी किसी लिहाज की खुशी हो ना, एक तो ये, तो ये बच्चों के साथ मनाया जाए, 75,000 ये थे, और बाकी जो 750 लड़कियां जो थी वो जिन्होंने वो साइंटिस्ट जो थे वो बनाया था भाई, अच्छा था वो, अगर कामयाब हो जाता और खुशियां दुबाला हो जाती, कोई बात नहीं फिर बन जाएगा, और कोशिश करने से कामयाबी हासिल होती। तो ठीक है भाई, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह।